फ्रेंड्स, आई एम योर कंप्यूटर टीचर मिस एंजेलिना मंसूर। टुडे वी रीडिंग द यूनिट नंबर 4, पेज नंबर 51, टॉपिक सर्चिंग थ्रू ड्राइव्स एंड फोल्डर। फोल्डर और ड्राइव्स के जरिए तलाश करना। अ ड्राइव इज द लोकेशन वेयर वी हैव द एक्चुअल स्टोरेज। ड्राइव वो जगह होती है जहाँ पर हम अपनी पूरी स्टोरेज कर सकते हैं, हर चीज़ का डेटा हम वहाँ पर सेव कर सकते हैं। Each drive is representing by the name and icon. हर ड्राइव जो है वो अब शो होती है आइकन और नाम के जरिए। There are the following different types of drive in the computer. कंप्यूटर में मुख्तलिफ किस्म की ड्राइव्स होती हैं, मुख्तलिफ किस्म की नाम से पहचानी जाती हैं। नंबर वन, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव होती है, लोकल डिस्क ड्राइव, CD, DVD, ROM ड्राइव, फोल्डर एंड फाइल। ये ड्राइव्स होती हैं, ये अपने आइकन्स और नाम से पहचानी जाती हैं। ये ड्राइव बनी हुई है यहाँ पर हार्ड डिस्क ड्राइव, फाइल स्टोर द डिस्क कंप्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्यूमेंट, बैकअप डी, इमेजेस एफ, विंडो सी, बैकअप ई। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, इट सेव डेटा ऑन अ फ्लॉपी डिस्क। ये डेटा सेव करती है फ्लॉपी डिस्क में, ये फ्लॉपी डिस्क है। इट ऑल्सो रीड द डेटा ऑन अ फ्लॉपी डिस्क, ये रीड करती है डेटा फ्लॉपी डिस्क में। इट इज़ यूजली नेम एज ड्राइव ए, ये ए ड्राइव के नाम से जानी जाती है। इट हैज़ इट स्पेशल आइकन, इसका एक ख़ास आइकन होता है। लोकल डिस्क ड्राइव, These are partition of the hard disk. ये hard disk का एक हिस्सा होता है, partition होता है। Data is stored on them. यहाँ पर data safe होता है। Their name start from C onward. ये C के नाम से पहचाना जाता है। They store data and window. ये window और data store करता है। They have their special icon. इसका भी एक ख़ास icon होता है। Local disk. ये C के नाम से जानी जाती है। लोकल डिस्क डी, लोकल डिस्क ई, लोकल डिस्क एफ, ये सारी डिस्क यहाँ पर विंडो और डेटा स्टोर किया जाता है। CD, DVD, ROM ड्राइव, इट रीड डेटा ऑन CDs, DVDs, ये CD और DVDs का डेटा रीड करता है। दे कैन ऑल्सो बी यूज टू स्टोर डेटा ऑन CDs एंड DVDs, ये CDs एंड DVDs को डेटा भी स्टोर करता है और उसको रीड भी करता है। These drives and name with the letter next to the local drive, they have their own icon. ये उनके नाम से, नाम और उनके लेटर से लोकल ड्राइव डिस्क करता बनाता है। They have their own icon. इसका भी खुद का आइकन होता है। फोल्डर बंद कर। ये CD और DVDs, ROM ड्राइव, इस ये है, यहाँ पर हम डेटा और लेटर्स के साथ लोकल डिस्क ड्राइव जो है ना वो होती है। यहाँ पर हम CD और DVDs इससे पहचानी जाती है। फोल्डर, फोल्डर्स आर आल्सो कॉल्ड डायरेक्टरीज। फोल्डर जो है वो डायरेक्टरीज कहलाती हैं। दे आर नेम लोकेशन ऑन कंप्यूटर टू सेव डेटा, ये हमारे कंप्यूटर में डेटा सेव करते हैं और यहाँ से हमें पता चलता है कि ये फोल्डर है, डायरेक्ट हम उस पर जाते हैं। Each folder may have more folders or files in it. हर एक फोल्डर में एक मजीद फोल्डर होता है और उसकी फाइल्स होती हैं। A folder inside an other folder is called a subfolder. फोल्डर के अंदर जो फोल्डर होता है उसको सब फोल्डर कहा जाता है। File. A file is a collection of our actual data stored. फाइल जो है वो भी एक कलेक्शन है, जमा है। Each file has its particular name. हर एक फाइल का एक अपना ख़ास नाम होता है। This name is followed by the program extension. ये हमारे program extension को follow करते हैं। This extension is an information about the program that can open the file. जो कि मालूमात देता है program को open करने में। ये हमारा folder है, यहाँ पर हम अगर फोल्डर ओपन करेंगे तो उसके अंदर सब फोल्डर होगा। सब फोल्डर को ओपन करने से उसके अंदर मज़ीद फोल्डर्स होते हैं
उनको निकालें, तो उसके बाद हम जो फाइल ओपन करना चाहेंगे फोल्डर से वो हमारी फ़ाइल ओपन हो जाएगी। अगर हमने इस डॉक्यूमेंट्स की फ़ाइल ओपन की, उसके अंदर से हमने सिंपल पिक्चर्स निकाली, ये हमारे फोल्डर्स की फाइल्स हैं, और इसमें से हमने सिंपल पिक्चर्स का देखा, सिंपल पिक्चर निकाली, हमने ब्लू हिल्स को क्लिक किया, ब्लू हिल्स को क्लिक किया, उस पर गए नेम, फाइल नेम ब्लू हिल्स, एक्सटेंशन हमारी JPG, ये हमारी एक्सटेंशन कहलाती है। फाइल के अंदर जो हमारे नेम दिया होता है उसको एक्सटेंशन कहते हैं। होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस रीडिंग। वी विल मीट ऑन नेक्स्ट वीडियो। ओके, खुदा हाफिज़।